अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको आलू के पानी और इसबगोल को मिलाकर इस्तेमाल करने का एक ख़ास तरीका बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब के ख़राब मैदे फिट फाट हो जाएंगे, पतले से पतले लूज मोशन और कह फौरी तौर पर रुक जाएगी। तो मेरे ऐसे बहन भाई जिनका मैदा ख़राब रहता है, लूज मोशन नहीं रुकते और वॉमिटिंग मुसलसल जारी रहती है, उनके लिए ये इलाज किसी नेमत से कम नहीं। तो आइए आपको बताते हैं एक जबरदस्त इलाज, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आप तक। नाज़रीन, लूज मोशन और कह की वजह से जिस्म में पोटाशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म फौरी तौर पर कमजोर और बेजान हो जाता है। इस मसले के हल के लिए आलू का पानी पोटाशियम से भरपूर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, जबकि इसबगोल का छिलका खराब मैदे का बेहतरीन इलाज है। करना आपने ये है कि एक आलू के छिलके को उतार कर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को एक गिलास पानी में उबाल लें। जब आलू बॉयल हो जाए तो बॉयल शुदा पानी का एक कप लेकर इसको ठंडा कर लें। अब इस पानी में एक खाने का चम्मच इसबगोल शामिल करें और आधा कप दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप शुगर के मरीज नहीं तो एक खाने का चम्मच शहद डालकर बच्चों को एक छोटी चम्मच हर घंटे के बाद खिलाएं, जबकि बड़े हजरात एक खाने का चम्मच हर घंटे के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में आपका खराब मैदा ठीक हो जाएगा, लूज मोशन और वॉमिटिंग फौरी तौर पर रुक जाएगी। नाज़रीन, मैदे की मुकम्मल सेहत याबी के लिए कम से कम 3 दिन तक इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला दोबारा आपको मैदे का मसला नहीं होगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सेहत के मुतालिक मजीद अच्छी और म्यारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।